हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे आप सबको पता है कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आप सबके लिए सेमेस्टर कोचिंग लॉन्च कर चुका है और जो बच्चे कोर्सेज लिए हुए हैं उन्हें अपना फीडबैक भी शेयर करना है कि हमारा कोर्सेज कैसे लग रहा है उनको, क्योंकि हम ये आपके साथ ये जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ कमिटमेंट हमने किया है। और जितने भी कोर्सेज हमारे ऐप पर लॉन्च हुआ है, चाहे आप देखेंगे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 डाउनलोड कर लीजिए या जिन बच्चों ने कोर्सेज पढ़ा है, तो सभी सब्जेक्ट में दो दो तीन तीन डेमो लेक्चर फ्री रखा गया है। पहले आप जाएं देख लें कोर्सेज को, फिर लेना स्टार्ट कर दें। और उसमें मैंने जो कमिटमेंट है, मैं खास करके सभी सब्जेक्ट्स में एक एक वीडियो में बना के डाल दिया हूँ कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट कैसे आपके साथ काम करेगा और किस तरह से आपको आगे लेके जाएगा। आप सबका विश्वास है हमारे साथ, हमारा विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है। हम अच्छे से करेंगे, बहुत कुछ हमें मिलके करना है और बहुत अच्छा करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप एडवांटेज उठाते रहिए, बस आप डिमांड करते जाइए, हमारा काम है उसे पूरा करना। कोर्सेज जिनको जिन बच्चों ने ले लिया है वो स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशंस, जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं वो कोर्सेज लेके स्टार्ट कर दें पढ़ाई करना। अंततः पढ़ना ही सब कुछ है, जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे अपने आप को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा ये है कि आप पढ़ें और बेहतर करें। तो मेरा पर्पस है कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन्स था, इस वीडियो का ये ऑब्जेक्टिव होगा कि किस सेमेस्टर में, सेमेस्टर वन में किस ब्रांच को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो ब्रांचेज जितने भी हैं, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हैं, उनमें से किसको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन बच्चे क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर पेपर के बारे में कि आपको सेमेस्टर पेपर में, सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने। जैसे अप्लाइड फिजिक्स में से, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स में से किसको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है, देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांच मैंने लिख दिया है, सेमेस्टर वन है और सेमेस्टर टू है। अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री ये आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने इसे सही से नहीं पढ़ा तो आप कभी भी इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे आप यहाँ देख लीजिए मैकेनिकल में, जो मैकेनिकल से डिप्लोमा करेंगे, जिन्होंने एडमिशन्स ले लिया है, उन्हें अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है वन और बेसिक साइंस पढ़ना है सेमेस्टर वन में। और बेसिक साइंस का मतलब है अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री। इसलिए मैं बार बार चिल्ला के बोलता हूँ कि जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स वन, बेसिक साइंस मतलब अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिकल को सेमेस्टर वन में क्या पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स वन पढ़ना है और बेसिक साइंस यानी अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री सेमेस्टर टू में पढ़ना है। लेकिन अगर यहाँ से अप्लाइड फिजिक्स इन्होंने सेमेस्टर वन में पहले बेसिक क्लियर नहीं किया तो उन्हें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर वन में पढ़ना है, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक जो है उसका एप्लीकेशंस होता है। अगला इलेक्ट्रॉनिक्स को आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अप्लाइड मैथमेटिक्स वन और फिजिक्स पढ़ना है। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के को फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहां भी बेसिक इलेक्ट्रिकल के पेपर पढ़ने हैं, यहां आपको नहीं दिया गया है, आप भी यहां लेके अपने से अभी से स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। पढ़ना तो आपको है ही, अप्लाइड मैथमेटिक्स वन, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना सबको है, चाहे वो सेमेस्टर वन में पढ़े या सेमेस्टर टू में। और सबसे पहली बात कि ये सारे आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, क्लियर करेगा। तो आप स्टार्ट कर दें सही से प्रिपरेशन करना, ताकि और आप बेहतर कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में देखें, अप्लाइड मैथमेटिक्स वन पढ़ना है, लेकिन मेरा सजेशन है वो अप्लाइड फिजिक्स को भी पढ़ लेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स वन सेमेस्टर वन में पढ़ना है, जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स लेकर स्टार्ट कर दें पढ़ना। सिविल में देखिए, अगर सिविल की बात करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स वन सेमेस्टर वन में पढ़ना है और बेसिक साइंस यानी अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री उनको कहाँ पे पढ़ना है, सेमेस्टर टू में। लेकिन यहाँ सिविल को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेमेस्टर वन में पढ़ना है एक सब्जेक्ट, सिविल वालों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट एक सेमेस्टर वन में पढ़ना है और वो एप्लीकेशन है अप्लाइड फिजिक्स। मैंने डेमो लेक्चर भी बना दिया है, कल यूट्यूब पे आप देखे होंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स, तो यहाँ पे आप फिजिक्स जरूर पढ़ लेंगे सिविल वाले पहले।
ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल जिनका ऑटोमोबाइल में एडमिशन हुआ है वो देख लें। अप्लाइड मैथमेटिक्स वन भी पढ़ना है और बेसिक साइंस भी पढ़ना है, यानी बेसिक साइंस कहने का मतलब अप्लाइड फिजिक्स प्लस अप्लाइड केमिस्ट्री पहले ही उनको पढ़ना है। ऑटोमोबाइल वाले को अप्लाइड मैथमेटिक्स वन के साथ साथ अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री साथ साथ ही पढ़ना है। अगला टूल्स एंड डाई ब्रांच, जिनके ब्रांच टूल्स एंड डाई है क्योंकि ये भी एक ब्रांच है, उनको भी अप्लाइड मैथमेटिक्स वन बेसिक साइंस यानी अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि हम कैसे कोर्स लें, और अप्लाइड केमिस्ट्री उनको भी सेमेस्टर वन में पढ़ना है। और यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स उनको सेमेस्टर वन में पढ़ना है और बेसिक साइंस यानी अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री सेमेस्टर टू में पढ़ना है। केमिकल वालों को आप देखें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स वन फिजिक्स केमिस्ट्री इसी सेमेस्टर में उनको पढ़ना है। यानी अगर ओवरऑल देखें तो मैकेनिकल की बात कर लें, ऑटोमोबाइल की बात कर लें, टूल्स एंड डाई की बात कर लें, केमिकल की बात कर लें, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को अप्लाइड मैथमेटिक्स वन अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री सेमेस्टर वन में पढ़ना ही है। साथ में आपके बेसिक्स भी क्लियर करेगा। जो भी अदर ब्रांच है जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाइड मैथमेटिक्स वन और अप्लाइड फिजिक्स लेके पढ़ना स्टार्ट कर दें। बाकी जो भी ब्रांचेज है कम से कम मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इनको मैकेनिकल ऑटोमोबाइल टूल्स एंड डाई और केमिकल वाले ये सब पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों लेके पढ़ेंगे। लेकिन जो रेस्ट ब्रांच है इनको छोड़ के उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ प्लस प्लस अप्लाइड फिजिक्स लेकर स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। इसीलिए आप देखेंगे कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे एक कॉम्बो कोर्स बनाया गया है, एक कॉम्बो पैक बनाया गया है। एक कॉम्बो पैक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का है, एक कॉम्बो पैक आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स का है, और अलग अलग भी सब्जेक्ट वहां पे अवेलेबल है। आप जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो फीडबैक देंगे और अच्छे से हमें समझा बताएंगे ताकि वो उनका कोर्स कैसे चल रहा है। तो आप कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दें, देर न करें, कॉलेज के भरोसे रहेंगे या दूसरे स्टूडेंट्स के भरोसे रहेंगे कि उसने नहीं लिया तो मैं कैसे लूं, उसके भरोसे नहीं रहना है। सिर्फ आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है ताकि आप और अच्छा कर सकें। बाकी ये सारे इंफॉर्मेशन था, मुझे आपको बताना था, और बाकी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नंबर पे 9015781999 और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0। आप ऐप डाउनलोड कर लें और कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दें। अब कोई आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेमेस्टर वन और यहाँ सेमेस्टर वन में किसको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अपने अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट लेना स्टार्ट कर दें। मेरा सजेशन सबके लिए है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड फिजिक्स एक कोर सब्जेक्ट होता है आपका, उसे कभी ना छोड़े। बाकी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल केमिकल टूल्स एंड डाई उसको तो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो पढ़ना स्टार्ट कर दें, देर ना हो जाए, अभी से लग जाए, क्योंकि अभी सारे कोर्सेज ऑफर में चल रहे हैं, बाद में ऐसा ना हो कि प्राइसेज बढ़ने पे आप ना ले पाए। तो स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन करना। आपको नोट्स दिया जा रहा है, उसमें नोट्स भी सब्जेक्ट वाइज डाला जा रहा है। प्रैक्टिस सेशंस हम लेके आएंगे आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, फिर डाउट सेशन लिया जाएगा, सभी चीजें होगा। हम लोग धीरे धीरे सबको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप वहां पे सारे कोर्सेज का डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वीडियो लेक्चर्स देखें और कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दें। फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।